सो यार गाइस, इस वीडियो में बात करूंगा कि फोन पे से वीआई की सिम रिचार्ज कैसे करें। हाँ गाइस, इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि वीआई की सिम कैसे रिचार्ज करें वो भी अपने फ़ोन पे से। अगर आपको करना नहीं आता है तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और करके भी दिखाऊंगा कि कैसे कर सकते हैं अपने फ़ोन पे से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं। तो गाइस, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, प्लीज़ से टच कर दीजिएगा। बराबर में एक नोटिफिकेशन बेल आने एक घंटे के निशान से टच करके ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में जब भी वीडियो डालूंगा उसको नोटिफिकेशन मिलेगा। सब्सक्राइब करें तो घंटे को जरूर दबे। तो गाइस, यहाँ पर फोन पे एप्लीकेशन ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने फोन पे एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। तो गाइस, यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर ओपन करने के बाद स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल कीजिए। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाती है रिचार्ज, ठीक है। यहाँ पर रिचार्ज बिल पेमेंट, तो आपको सिंपली यहाँ पर जस्ट बगल में लिखा होगा मोबाइल रिचार्ज, तो सिंपली इस पर करना है आपको। क्लिक क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाता है, ओपन होता है। यहाँ पर ओपन होने के बाद बोल रहा है सेलेक्ट योर मोबाइल नंबर, यानी मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर अपना सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा, उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पर जियो ऑपरेटर होगा, सिंपली यहाँ पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद मेरा सिम है वीआई, तो वीआई सेलेक्ट करते हैं। अगर आपका वीआई का बुरा आइडिया है फिर आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलिए मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बोल रहा है इंटर योर अमाउंट, यहाँ पर अपना अमाउंट इंटर कीजिए। तो मैं यहाँ पर 250 करने वाला हूँ, तो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। अगर आपको गाइस, अगर आपको प्लान चेक करना है तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मैं इतना करना चाहता हूँ, तो आप कैसे कर सकते हैं। अगर गाइस आपका फ़ोन पे वॉलेट में बैलेंस है तो उसे कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप भी आई यहाँ पर भीम UPI से भी कर सकते हैं। तो आप चाहे तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, आई मीन ATM कार्ड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने ATM कार्ड से करूँगा, तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड पर करूँगा क्लिक। क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना होगा, अपने कार्ड के नंबर, जैसे कि यहाँ पर जो UPI नंबर होता है, एक्सपायरी डेट नंबर डालना है, सारे यहाँ पर फिल करके आपको नीचे रिचार्ज के ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। चलिए मैं यहाँ पर रिचार्ज के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, ये सारा चीज़ अपने भर के फिल करके। फिल करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा है रिचार्ज सक्सेसफुल, यानी आपका जो रिचार्ज कर देंगे तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ पर फेल्ड बता देगा। तो मेरा तो सक्सेसफुल हो चुका है, तो ये हो चुका है। देखिए जो मैंने किया था 250 का, यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर ट्रांजेक्शन ID दिया जाता है, आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर है आपका जो है, और मैंने ATM कार्ड से किया था तो यहाँ पर 4 डिजिट का लास्ट है, तो 4 डिजिट का लास्ट एंड फर्स्ट अंक दिखता है। उसके बाद यहाँ पर आपका टोटली प्राइस हो गया। इसी तरह कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई, पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सो बाय, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक बाय।